जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ड्राइवर साइड है, आप कह रहे होंगे डैम्पिंग आपको पूरी फैली हुई नजर नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने 6 सीटें लगाई हैं टोटल ओवरऑल गाड़ी के अंदर। वैसे हम लोग 8 से 9 सीटें लगाते हैं, थोड़ा बजट कम था तो कस्टमर ने बोला कम लगा दो, कोई बात नहीं काम चल जाता है इससे भी। रॉकस्टार की डैम्पिंग लगाई है, मेड इन इंडिया डैम्पिंग है, बहुत अच्छी डैम्पिंग है, लाइफ टाइम गारंटी है इसकी। साथ में हमने कॉम्पोनेंट लगाया इन्फिनिटी का एल्फा सीरीज का, और पीछे हम लगा रहे हैं जेबिल का कोएक्सियल 350 वाट्स वाला। शुरुआत करता हूं मैं फुट्स का प्लेट से, ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की एलईडी लगी हुई है, एल्ट्रोस, ये नई चीज आई है एल्ट्रोस के लिए इसलिए पहली बार आपको दिखा रहा हूं। इनका हमने सीट कवर भी तैयार किया है, ऑन ऑर्डर तैयार करते हैं, डिजाइन आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन है। ब्लैक कलर का हमने नापा यूज किया है, रेड कलर की थ्रेडिंग की है, फिनिशिंग आपके सामने है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। जो सीट का भी कॉस्टिंग है वो 6000 रुपीज है, आपको पहले एडवांस ऑर्डर देना पड़ेगा तब हम आपको रेडी करके देंगे, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे हमने स्टेयरिंग कवर भी स्टिच किया है इसमें ओई स्टाइल में, आप चेक कर सकते हैं स्टिचिंग कितनी परफेक्ट हुई हुई है। जो हमारी स्टेयरिंग कवर की कॉस्टिंग है वो भी 1100 रुपीज है, ये भी नापा मटेरियल है, धागा रेडियूस किया हुआ है हमने। अब आपको स्टीरियो की डिटेल देता हूँ, स्टीरियो आप देख रहे हो कितना नीट एंड फ्रेश तरीके से लगाया हुआ है, प्रॉपर व्यूइंग एंकल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, फ्लोटिंग डिस्प्ले बोलते हैं इसको, और ये परफेक्ट स्टीरियो है। परफेक्शन क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें साइड में बटन है, हमारे पास कुछ मटेरियल और भी अवेलेबल होता है जिसमें साइड में बटन नहीं होता है, थोड़ा अभी क्या है कि आसान है, आप ड्राइविंग कर रहे हो साथ में आप इसको यूज कर सकते हो, बटन वॉल्यूम अप डाउन बैक होम। बैक साइड से फिनिशिंग देखे तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, काफी नीट एंड क्लीन है, कोई कमी आप ढूंढ नहीं पाओगे इसके अंदर। ये यहाँ पे लगा दिए यूएसबी पोर्ट, ग्लव बॉक्स के अंदर नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह थी, और सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल स्टाइल लग रहा है। ये हमारी लग गई पेन ड्राइव, और जो इसमें हमने पावर सॉकेट लगाया है वो हमने यहाँ पे लगाया है, ओरिजिनल जो जगह दी होती है, मिंडा कंपनी का है ये। स्टीरियो के बारे में आप जानते ही, एंड्रॉइड स्टीरियो में आप हॉटस्पॉट देखिए, यूट्यूब गूगल मैप चला सकते हैं, इसके अंदर प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सपोर्टिव एप्स जो होती हैं। कार सेटिंग्स में जाके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, एंड्रॉइड 9.1 है इसके अंदर, 2 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है इसके अंदर, ये प्री इंस्टॉल एप्स हैं, ये फोन लिंक जो है स्क्रीन मिररिंग के लिए है, टच बहुत अच्छा है इसका। अब चलते हैं स्क्रीन क्लैरिटी की तरफ, आप चेक कर सकते हैं इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, IPS डिस्प्ले है, कोई भी एंगल से देख लो आपको क्लियर नजर आएगा, चाहे दिन का टाइम है या रात का टाइम है, कलर बहुत परफेक्ट है इसके अंदर। अगर आपके पास एल्ट्रोज है अब ये स्टीरियो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग इसमें दिक्कत नहीं है, लोग कहते हैं वाइब्रेट करता है, बहुत माइनर सी वाइब्रेशन होती है, फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फिटिंग अच्छी की गई है तो वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होगी, नॉमिनल चलती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको इसका मैं साउंड आउटपुट का डेमो देता हूं। आपने आउटपुट सुना, काफी अच्छा आ रहा है, मिड बेस भी काफी अच्छा है, जबकि स्पीकर बहुत नॉमिनल रेंज वाला स्पीकर है, हाई एंड नहीं है या मीडियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें डैम्पिंग भी लगाई गई है, डैम्पिंग काफी नेसेसिटी वाली आइटम बन चुकी हुई है, रोड नॉइस कम हो जाती है, वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, एंक्लोजर मिल जाता है स्पीकर को,
तो आपको काफी अच्छा आउटपुट फील होता है गाड़ी के अंदर। जब बाहर की रोडनेस कम हो जाएगी, आपको अंदर पीस फील होगा, तो आपको स्पीकर की आउटपुट भी और अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जो हमने स्टीरियो लगाया है, इसकी कॉस्टिंग है आपकी 11,500 रुपीज। ये स्मार्ट सोनिक ब्रांड का है, जीवा वालों का। आगे जो हमने कॉम्पोनेंट लगाया है इन्फिनिटी का अल्फा सीरीज का, उसकी जो कॉस्टिंग है 3,700 रुपीज है। पीछे हमने जेबीएल का कोएक्सियल लगाया है जो 2,000 रुपीज का है। आपको ओवरऑल कॉस्टिंग बता दी है हमने। डैम्पिंग शीट हमारी पर शीट 650 की पड़ती है और हमने इसमें 6 शीटें लगाई हैं। इसमें हमने डोर वाइजर भी लगाया है प्योर ब्लैक कलर में, प्रॉपर एल्ट्रोस के लिए आता है। फिटिंग आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 एल्ट्रोस। इसकी जो कॉस्टिंग है 500 रुपीज़ है। इसके अंदर हमने फ्लोरिंग भी किया, आप चेक कर सकते हैं। ये डाई वाली फ्लोरिंग नहीं है, इस फ्लोरिंग की जो कॉस्टिंग है 1,800 रुपीज़ है। काफ़ी नीट एंड तरीके से लगाई गई है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग इसकी। इसमें हमने आर्मरेस्ट भी लगाया है प्रॉपर एल्ट्रोस के लिए, वुडन आर्मरेस्ट है। इसकी जो कॉस्टिंग है 800 रुपीज़ है। होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।